1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 चालू है हमारा। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहूँगा और मैं कहते ही रहूँगा, बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, टेन एक्स आना चाहिए। वो कैसे आएगा उसके लिए हम लोग अभी तैयारी करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस। और एक फार्मूला देखिए, टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, ठीक है, इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, ठीक है। दो फार्मूला हमारे पास, बताओ मुझे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा यूज़ होना चाहिए। एक ही होगा यूज़, बताओ क्यों लग रहा है ये भी बताना है आपको। आप कह रही है सेकंड वाला लगेगा, तुम ही समझा। ये भाई बोल रहा है फर्स्ट, मुझसे कि मैं आप बताओ फर्स्ट काय को लगेगा रे फर्स्ट सर। वो माइनस माइनस साइन है, किधर माइनस है, प्लस माइनस साइन। देखो 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 इधर माइनस है ना, अरे इकड़े माइनस है, इधर कस कागज केला उचल तो फॉर्मुला हाच लागणार की नाही, इकडे माइनस है आणि इकडे पण माइनस है, बरोबर। हाँ अभी बात ये रही कि ये यूज़ कैसे होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। म्हणजे झालंय काय लक्षात घ्या, ये जो है ना इस फॉर्मूला का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का ये पार्ट बोले तो फॉर्मूला का ये पार्ट यानी फॉर्मूला का ये पार्ट, आपको करना क्या है, इसको इसके जैसे लिखना है। आई एम सॉरी उल्टा किया मैंने, इसको इसके जैसे लिखना है, आपको इसको इसके जैसे लिखना है। कसं काय, म्हणजे ए आला पाहिजे इकडे, बी आला पाहिजे, वन माइनस ए इंटू बी आला पाहिजे। बहुत घटियापना किया मैंने यहाँ पर, एक थोड़ा वाइपआउट करके और बताता हूँ मैं। देखो एक मिनट, हे बघा हा फॉर्म्युला आपण डिसाईड केला, ठीक आहे। फॉर्म्युलाचा हा पार्ट, हा इकडचा आर एच एस म्हणजेच हा भाग आहे। थोडा तो कनेक्शन आहे ना इसमें, टॅन इनवर्स बाहेर टॅन इनवर्स बाहेर। लफड़ा ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक आकड़ा है 8x और यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी, नीचे भी क्या चाहिए, 1 माइनस ए इंटू बी। यहाँ पर तो इस फॉर्मेट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें a और b को ढूंढना पड़ेगा और वो बहुत आसान काम है। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन होगा 8 और जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा 15। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन होगा 8 और जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा 15। 5 और 3, 5 3 15, 5 प्लस 3 8। सिंपल, देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 एंड 5 प्लस 3 होता क्या है, 8। सिंपल ना, आता मैं लिखते हो कैसे वगैरह, पाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 8x को हम लोग क्या लिखेंगे, 5x प्लस 3x, नीचे 1 माइनस 5x इंटू। देखो लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, 8 को लिखा मैंने 5 प्लस 3, 5x प्लस 3x, 5x इंटू 3x क्या था, 15x पर। क्लियर एकदम, ऑल राइट। अब मुझे इसके साथ कंपेयर करके बताओ ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, कमॉन। आप बहुत आधा अधूरा आंसर देते हो यार, ए का वैल्यू क्या है, 5x और बी का वैल्यू 3x। अब ये पार्ट तो बिल्कुल मैच हो रहा है, हमें लिखना है ये वाला पार्ट, हमें लिखना है ये वाला पार्ट। मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, अरे नहीं पूरा बताना, टैन इनवर्स ए के जगह क्या लिखूंगा मैं, 5x प्लस टैन इनवर्स 3x। समझ सकेगा, तो मैंने मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट करके इसमें लाया, क्लियर एकदम। अब बहुत आसान है, अब तो मेरे को डेरिवेटिव आता है टैन इनवर्स का। देखो फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर यही मैं 5x के लिए ले लूँ, x के जगह क्या लिखा है यहाँ पर, 5x,
वन अपॉन वन प्लस फॉर्मूला लर्न किसके लिए किया था? एक्स वापर तो कैसे साथी उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो किसी का एहसान मत रखो सिंपल टैन इनवर्स थ्री एक्स बताओ क्या होगा वन अपॉन वन प्लस डी बाई डी एक्स हो थ्री एक्स फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स रेडियो क्या था फाइव फाइव थ्री एक्स रेडियो थ्री तो यहाँ पर तो वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर आएगा बराबर ना थ्री का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइनल आंसर आपको आता है दोस्तों फाइव अपॉन वन प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर खत्म और एक से और एक बार से क्लियर से क्लियरली देखो मतलब देखिए क्या किया टैन इनवर्स दिख रहा है और ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है नंबर को देखते पहचानो कि यार एट को लिख सकते हैं फाइव थ्री फाइव प्लस थ्री एट और फाइव थ्री जो फिफ्टीन होता है ये फॉर्मूला याद आना चाहिए समझ रहा है पक्का ओके बताओ कौन सा करो आप देखो जो दिख रहा है बता दो जो लग रहा है बता दो कोई भी समय करने के लिए तैयार हो क्वेश्चन नंबर बोलो पहले क्योंकि इतना सारा स्किप नहीं कर सकता अगर करना भी पड़ रहा है तो जो पहला मुंह खोलता है उसका ही मैं सुनता हूँ अभी आपके मन में रहेगा एट्थ क्वेश्चन तो वो सेकेंड प्रायोरिटी पर आएगा थर्ड अभी कर लेता हूँ टू रूट एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स इसमें थोड़ा सोच वाला पार्ट है रूट आया ना थोड़ा सोचना पड़ेगा वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने सब लोग को सीधा कर दिया है रूट डाल के देखिए तो 3x ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन टू रूट एक्स आएगा और मल्टीप्लीकेशन 3x आएगा ये पूछना ही गलत है हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं टू रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए तो सीधा यार आपको है ना थोड़ा सा अभी याद ही रखना पड़ेगा ये चीज़ टू रूट एक्स को आप लिखोगे थ्री रूट एक्स माइनस रूट एक्स यानी क्या होगा टू रूट एक्स कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि देखो मैं मेरा प्रॉब्लम क्या है ना प्रॉब्लम नहीं है ये मेरा एसेट है एसेट समझ लो प्रॉपर्टी कि मैं बहुत ज़्यादा सच बोलता हूँ लोग ये नहीं करते पता नहीं क्यों करते क्यों नहीं करते मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको कि यार थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा अगर मैं आपको बोलूं देखो मैं सोच चुका हूं मुझे सोच के समझ रहा है टाइम नहीं होता है ना उतना एग्जाम में तुम्ही एकदा प्रैक्टिस के अंदर तुम्हारा ही गोष्ट लक्षात क्या ठेवायची की होगा टू रूट एक्स दिखा तो क्या करने का ये तो वही बात हो गई आप बाइक चलाना सीख गए आपको किसी ने बता रहेगा कि रुकने के लिए ब्रेक मारना होता है रुकने के लिए ब्रेक मारना होता है बराबर तो ये क्या बताने वाली चीज़ होगी कि सामने अगर अचानक कुत्ता आ गया तो ब्रेक मारना होता है बट ऑब्वियस है ना वो आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं बताएगा वही ट्रक आया तो ही ब्रेक मार ये कॉमन सेंस वाली बात है तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ती है ठीक है जनरली एक चीज़ पाया जाता है देखो आपने देखा रहेगा ट्रक वाले ऐसा करते हैं अगर आपने ड्राइव किया रहेगा तो आपको पता रहेगा उनका ना रुतबा ही कुछ और होता है बस वालों का ट्रक वालों का खासकर कब जब आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो वो किसी के बाप के नहीं होते रात में ट्रक वालों से बस वालों से पंगा लेने की सोचना ही गलत है मतलब अगर उनको ओवरटेक करना है ना तो उनको ओवरटेक करना है उनको अगर आगे गाड़ी लेना है तुम्हें डेरिंगच करायची नाही कारण रात्री उडून टाकतात डायरेक्ट ते हायवेला काय समोर काय कळत नाही डायरेक्ट उडून निघून जातात द्या उडका मस्त सांगण्याचा उद्देश काय समथिंग्स यू नीड टू अंडरस्टँड आपको समजणाही पडेगा आपको पता है वो डिपर का लाईट देते अपर डिपर अपर डिपर कब देता है अभी तेरे को पता रहेगा नहीं पता रहेगा देख सिंपल ये रोड है सिंगल लेन है जाने वाला गाड़ी ऐसा जा रहा है आने वाला ऐसा आ रहा है ठीक है
इमेजिन करिए ट्रक है, ट्रक है कोई गाड़ी है और अपन इधर है, इधर से कार आ रहा है, अपन ऑलरेडी इधर आए। अब डिसाइड ये करना है कि ये पहले जाएगा कि आप पहले जाओगे। तो जो पहले लाइट मारेगा ना, रूल क्या होता है, जो पहले अपर डिपर मारेगा लाइट वर खाली करेगा ना, तो पहले पास करना रिकटना। लेकिन कभी कभी ये बेवकूफ लोग को पता ही नहीं होता है कि अपर डिपर है क्या, और अगर पता भी होता है तो वो डेयरिंग करते हैं, नहीं अपना गाड़ी रेंज रोवर चला रहा हूँ मैं थोड़ी पीछे हटूँगा, ये वाला ईगो होता है। हो सकता है यहाँ पर ट्रक वाला भी हो, वो सीधा सामने आते हैं, ओवरलोड गाड़ी रहेगा तो ब्रेक मारने के चक्कर में आते, तू कितना ही लाइट मारो आगे आएंगे, तब तू रूल पकड़ के नहीं चलेगा कि भाई मैंने पहले लाइट मारा था। अरे आगे बोलने के लिए बचना तो चाहिए ना इंसान, समझ रहा है बात को? तो समझदार इसी में कि इसके पीछे लगे रहो और गाली देने का कोशिश भी मत करो, किसी को सुनाई नहीं देता है। अपने ही गाड़ी में जो बैठे उन्हीं को सुनाई देता है, उनको अपना वोकैबुलरी समझ आता है भाई इसको इतना गंदा गाली आ रहा है। कुछ नहीं करने का, समझदारी वाली बात ये रही कि आप इसी के पीछे लगे रहो। कहने का मतलब ये है आप इसको एंड टाइम पे एग्ज़ाम में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई जीनियस होगा तो वो कर भी लेगा लेकिन वो काफ़ी रेयर चीज़ है। आपको कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स, मतलब कोई बताएगा नहीं कि आपको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई बोलेगा गलत है, नहीं यार सब सही है, जहाँ तक आंसर अब पूरा राइट आ रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं, सब सही है, कॉपी मत मारो खाली, ठीक है। देखो कॉफ़ी से सख्त नफरत है मेरे को, चाय कॉफ़ी तो कुछ और समझ रहा है। देख टू रूट एक्स और थ्री एक्स, तो लॉजिक ये है कि टू रूट एक्स में से थ्री रूट एक्स में से एक रूट एक्स क्या कितना बचेगा, टू रूट एक्स, एंड थ्री रूट एक्स को अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ थ्री एक्स आएगा, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बनता है, एक्स बनता है। रट्टा ही मार लो, और इसी को प्यार से लोग बोलते हैं कि हमने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करना है ना, रट्टा ही मारना होगा। एक सम चार बार सॉल्व करो, और चार बार सॉल्व करने के बजाय आप एक काम करो रट लो उसको, एक ही तो बात होगी, है ना। चलो थोड़ा आगे जाएंगे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, टू रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, थ्री रूट एक्स माइनस रूट एक्स, थ्री रूट एक्स इन टू, अच्छा अब ये कौन से फॉर्मेट में आया, देखो फॉर्मूला देखो, अच्छा फॉर्मूला काफ़ी ऊपर है यार, इधर लिखता हूँ मैं फॉर्मूला, वी हैव टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, इकड़ा माइनस से इकड़ा माइनस, इकड़ा प्लस असल इस फॉर्मेट में आ चुका है। बताओ अभी मैं क्या करूँ इसके आगे, पुट कर क्या लिखूँ बोलो, टेन इनवर्स ए के जगह क्या लिखूँ मैं, थ्री रूट एक्स बराबर, बी के जगह क्या लिखूँ मैं, रूट एक्स, रूट एक्स। ओके अभी डेरिवेटिव निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, उसका स्क्वायर बराबर ना, फॉर्मूला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम लोग ने लर्न किया था एक्स के लिए, यूज़ कर रहे थ्री रूट एक्स के लिए, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना, क्लियर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, समझ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है, बोर्ड में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करना, ये रियल लाइफ में भी मैटर करता है। मैं आपको मैथ्स को लाइफ के साथ रिलेट करके घटिया एग्जांपल देता हूँ, पहले बता रहा हूँ घटिया एग्जांपल। ये मेरे से क्यों हुआ पता है, मेरा थोड़ा गंदा आदत है, अगर मेरे पास एक चपाती है और थोड़ा सा ही सब्जी है ना, तो मैं थोड़ा राजा की तरह खाता हूँ। जनरली क्या होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कर लो पाए, है ना, चपाती का थोड़ा एंड सब्जी का थोड़ा,
मेरा ये सोच है कि एक ही घास, एक घास खाओ अपन राजा सर का एकदम रॉयल खत्म, बाकी का चपत गया भाड़ में, तू समझ रहा है? मतलब इधर जगह था ना मेरे को, मैं इधर बहुत आयश करके लिखा एकदम मस्त, अब कॉम्प्रोमाइज करने का वारी है, तो ऐसा मत करो, ये लिखते समय सीधा एक लाइन में लिखो, एक के नीचे एक ऐसा लिखो मत, चेकर को थोड़ा तकलीफ होता है, चेकर को तकलीफ यानी हमको तकलीफ, समझा? वो मार्क बांटते समय फिर सोचेगा, वन अपॉन वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? इंटू थ्री को बाहर निकालो, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ क्या था अपन ने, चलो हाँ कसम अभी क्या डालेंगे इसमें, चलो डी बाय डी एक्स हो, मैं सोचा बन किया था ना, चलो रूट एक्स, यहाँ तक कोई डाउट है? ये पर्सनली सेंड करता हूँ, यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ठीक है? माइनस ज़्यादा बकवास किया ना मैंने इसमें, वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स, डाउट है कोई? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा? वन अपॉन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, अच्छा ये इसी लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, थ्री ऊपर रहेगा, थ्री वन ज़ा थ्री का, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, इसको बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो ध्यान से देखना, दोनों तरफ ये टर्म कॉमन है, दिख रहा है? ऊपर कुछ नहीं तो वन हमेशा होता है, करोड़ों बार वन होता है, याद रखना इनफाइनाइट टाइम्स ऊपर वन प्रेजेंट ही होता है, तो मैं इसको अगर कॉमन निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आया कॉमन, कॉमन निकालना यानी बाहर निकालना, ब्रैकेट के ब्रैकेट लगा देना, अंदर बचता है थ्री अपॉन वन प्लस नाइन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस एक्स से थ्री को, वन प्लस नाइन एक्स से वन को, ये दोनों का एक दूसरे से, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री वन जा थ्री, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, माइनस साइन पहले वन को जाएगा, माइनस प्लस, समझ रहा है? थ्री माइनस वन टू, थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस सिक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिर से क्वाड्रेटिक आएगा नीचे, रहने दो ऐसे, आगे ये सॉल्व नहीं होता है, टू माइनस सिक्स को गलती से माइनस फोर मत लिखना, क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है? अच्छा आ गया इसका आंसर चेक करने के लिए, ये लोग तो बहुत आलसी है, इन लोग ने इधर ही छोड़ दिया सब, आपको पॉसिबल है तो टाइम है तो इतना कर लो, नहीं किया तो भी ओके, ठीक है ये चीज़ रट्टा मारना पड़ेगा, जाने का आगे बताओ और क्या पढ़ना था, तो एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ यार, एक्सरसाइज 1.3 करने का, 1.3 नहीं इतना कर लोगे, रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ही सही रहेगा, चलेगा फिर, ये YouTube पे वो वाला अपलोड कर देता हूँ, ये वाला इसका देखता हूँ मैं, वीडियो अगर बन के आपको भेज सकता हूँ तो भेजता हूँ, प्रैक्टिस करो घर पे, लेकिन देखो ऐसा ही कहा था पिछले बैच के बच्चों ने, पिछले यानी आपके जो पहले जॉइन हो गए, इतना सब पढ़ाने के बाद उन लोगों का कैसे कि रेगुलर प्रैक्टिस किया तो फिर याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते तुम्हें, इसको रुका देते हैं।